फ्रेंड्स, दिस इज ट्विंकल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही होगा, यूपी टीजीटी पीजीटी के पेपर ओवर हो गए हैं, जल्दी रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है। उसी बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आ रही है कि जिस तरह से याचिका दायर की गई थी कि धांधली और भ्रष्टाचार जो टीजीटी पेपर इस पेपर में हुआ है उसके लिए उनको न्याय चाहिए स्टूडेंट्स का। वो लगातार इस चीज़ के लिए कह रहे थे कि पेपर को निरस्त करा के दोबारा पेपर कराना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स के साथ ही अन्याय हो रहा है। तो चलिए, इस पर कोर्ट का क्या फैसला निकल के आया तो आपको मैं बता देती हूँ। जैसा कि आपको पता ही होगा, कोर्ट में कल इस चीज़ की सुनवाई भी थी और स्टूडेंट्स जो है लगातार इस चीज़ के ऊपर जो है सोशल मीडिया साइट्स के डिफरेंट डिफरेंट अपने जितने भी सोर्सेज के थ्रू जो है पूरी कोशिश कर रहे हैं कि परीक्षा को निरस्त कराया जाए। हैशटैग चलवा रहे हैं जिससे के थ्रू जो है परीक्षा निरस्त होने की अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन कोर्ट का आदेश इसमें क्या आया है, इससे पहले कि यदि आप मेरे चैनल पर नए आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और जैसा कि हाईकोर्ट से इस मुद्दे पर पहली सुनवाई सुनने को मिली है, देखते हैं क्या है, जिसमें कोर्ट की तरफ से यह बताया गया है कि हाईकोर्ट में पहली सुनवाई में ये सुनने को मिला, जिसमें कोर्ट की तरफ से यह कंसीडर किया गया है कि परीक्षा में किसी भी तरह की गाइडलाइन का पालन नहीं हुआ है और जिस तरह परीक्षा कराई गई है तो उसमें साफ साफ ये दिख रहा है कि परीक्षा को लेकर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं इस परीक्षा को लेकर वो जो है विचारणीय है, यानी कि इस पर विचार किया जाएगा। ऐसे में कोर्ट से दोबारा परीक्षा कराने की याचिका मांगी जा रही है कि उन्हें जो है दोबारा कराना चाहिए परीक्षा निरस्त करवा के। ऐसे में आदेश यह दिया गया है कि सरकार दो हफ्ते के अंदर इस चीज़ के ऊपर जवाब दे और साथ ही जो चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं वो भी वहां पर मौजूद रहेंगे ताकि परीक्षा में जो उठ रहे सवालों का जो है बेहतर जवाब मिल सके और बेहतर फैसला हो सके। अब देखना यह है कि दो हफ्ते के बाद फैसला क्या होता है और क्या चीज़ सुनवाई में आती है सुनने को। और यह भी संभावना है कि अम्बेडकर नगर की जो है दोबारा परीक्षा होने की थोड़ी संभावना दिख रही है, लेकिन आप सभी के अभी जो है सभी लोगों की परीक्षा की पूरी संभावना नहीं दिख रही है। इस वजह से अभी तो आपको फ़िलहाल रिज़ल्ट देखने को नहीं मिलेगा टीजीटी का रिज़ल्ट। आपको इसीलिए कहा गया कि पहले पीजीटी का रिज़ल्ट आएगा, पीजीटी के बाद ही कुछ टाइम बाद टीजीटी का आएगा, क्योंकि जब तक सुनवाई नहीं होगी फैसला क्या है तब तक रिज़ल्ट कैसे जारी हो सकता है। इसलिए दो हफ्ते के अंदर आपको उस चीज़ का फैसला सुनने को मिल जाएगा। यदि आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्द ही से कर दीजिए।